रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। दोपहर को एनडीपीसी एक्ट के तहत रिया को गिरफ्तार किया गया। आज रिया को एनसीबी द्वारा तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मेडिकल टेस्ट के बाद रिया को इस मामले के से जुड़े अन्य चीजों के लिए गिरफ्तार किया गया। दोषियों के सामने कोर्ट में पेश किया गया। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और स्टाफ दीपेश सावंत के भी नाम इनमें शामिल हैं। इन सभी को कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 सितंबर को गुरुवार को पेश किया जाएगा। खबर दोस्तों ये है कि अभी पेपर वर्क का काम बाकी है, इसीलिए रिया के पेपर वर्क के बाद ही आधिकारिक तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कर लिया गया है। अधिक जानकारी ये है, रिया के वकील ने बयान में कहा है कि वो न्याय का मजाक उड़ाने के समान है। 3 सेंट्रल एजेंसी एक महिला से पूछताछ कर रही है, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है और मेंटल हेल्थ से जूझ रहे एक्टर की प्रेमिका है, जिसका इलाज 5 साइकेट्रिस्ट द्वारा किया जा रहा था और अंत में उसने सुसाइड कर लिया। वहीं रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत की बहन कीर्ति ने कहा कि भगवान हमारे साथ है। जबकि रिया के भाई शौविक को गिरफ्तार किया गया था, तब रिया के पिता ने बयान दिया था कि मेरे बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब जल्द ही मेरी बेटी की गिरफ्तारी की जाएगी, साथ ही सत्य की जीत होने की बात कही। रिया ने एनसीबी की पूछताछ के बाद वही दूसरी ओर सीबीआई और ईडी की पूछताछ में बाकी वही सब बातें बोली जो वो बोलती चली आ रही है। सीबीआई द्वारा अब तक कोई मर्डर का सबूत नहीं मिला है। एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद देखना ये होगा कि जब सभी दोषियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तब क्या नया एंगल निकल कर सामने आता है। वहीं बता दें कि आज गुरुवार के दिन कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से मुंबई आने के लिए तैयार हैं और कंगना की धमकी और सुरक्षा की बातें तूल पकड़ रही हैं। एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि कंगना चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं और कंगना ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह मैं किसी से डरूंगी नहीं, मैं अपने मुंबई पहुंचूंगी और आप मेरी सारी जांच कराइए, ड्रग्स की जांच कराइए, फोन्स की जांच कराइए, अगर एक भी सच निकला तो मैं मुंबई खुद छोड़ दूंगी। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।